रजनीगंधा, पान बहार, पान पराग और कमला पसंद की मशहूरी देखकर यह तो आभास हो जाता है कि जो पान मसाला नहीं चबाएगा उसका जीवन में कभी कामयाब होना सफल नहीं होगा। मेरा आज का ये आपसे संबोधित होना किसी विज्ञापन को या किसी सेलिब्रिटी के विज्ञापन को प्रमोट करना नहीं है, बल्कि एक एक सच्चाई इन्वेंशन और एक डेवलपमेंट है जो आप तक पहुंचाना है। शायद आपको ये जानकारी देते वक्त मैं ये जानकारी भी दे दूं कि जितने भी आप मसाले, ये पान मसाले, गुटखे और पान तंबाकू के चित्रकारी देखते हैं जहां तहां, जो दूर से दिखने में तो मॉडर्न आर्ट लगता है, परंतु पास जाकर देखने में मालूम पड़ता है कि वह गुटखे और पान मसाले के अवशेष हैं। एक अनुमान के अनुसार भारतीय रेलवे स्टेशन और ट्रेन्स में लगे दाग साफ करने के लिए सालाना खर्च करने वाली जो रकम होती है वो करोड़ों रुपए में लग जाती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तीन इंजीनियर्स की है, ऋतु मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा और प्रतीक हरडे की। तीनों ने मिलकर केवल 5 रुपए की कीमत पर एक पाउच बनाया है और उस पाउच का नाम है इजी स्पिट। इस पाउच को गुटखा और पान मसाला प्रेमी आसानी से अपनी जेब में एडजस्ट कर सकते हैं और जब भी पान मसाला, गुटखा या किसी अन्य पदार्थों को थूकने की इच्छा हो तो पब्लिक प्रॉपर्टी को रंगीन की बजाय इस पाउच में थूक कर आसानी से मुक्त कर सकते हैं। इजी स्पिट पाउच की खासियत यह है कि मात्र 10 सेकेंड के अंदर आपके थूके हुए पदार्थ को सेमी सॉलिड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में परिवर्तित कर देता है। पब्लिक प्रॉपर्टी को अपने बाप का माल समझकर गंदा करने वालों की कमी नहीं है। राह चलते थूकने की आदत न केवल धरा के आंचल को मैला करती है, बल्कि इसके कारण कई तरह की बीमारियां भी लाती है। अगर इस विषय पर जागरूकता बढ़ती है तो इजी स्पिट एक क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है। अगर मंशा सही है तो पतलून की जेब में पान मसाले का पैकेट के साथ इजी स्पिट का पैकेट भी रखना चाहिए। एक अभियान के अंतर्गत नागपुर और पुणे में इजी स्पिट के 5,000 से अधिक पैकेट वितरित किए जा चुके हैं और काफी लोगों ने इसे इस्तेमाल में लाया भी है, अपनी खराब आदत बदलने के प्रयास भी किए हैं। महाराष्ट्र सरकार मुंबई और नागपुर मेट्रो में इजी स्पिट पाउच के वितरण का कार्यक्रम बना चुकी है। वास्तव में कहूं तो खंबे पर कुत्ते और सड़क पर इंसान मुझे एक बराबर लगते हैं, दोनों में कोई फर्क नहीं दिखता है। आदतें बदलनी होगी। साफ सफाई का या ठेका सिर्फ सरकार या प्रशासन का नहीं होता है, एक आम इंसान अपनी जिम्मेदारी को बड़े अच्छे से समझ सकता है। इजी स्पिट को हर उस व्यक्ति की जेब का हिस्सा होना चाहिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी की चित्रकारी को रंगीन करते आया है। ऋतु और उनकी टीम को कोटि कोटि शुभकामनाएं। एक छोटे से पाउच के जरिए हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहरों का आंचल मैला होने से रोका जा सकता है। अब ये सफाई, ये अभियान पूरा उन लोगों के हाथ में है जो इसे गंदा करते हैं।